हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने देखा बारबेरियन सीज़न 2। सीज़न 1 के एंड में जो बैटल हुई थी उसके एक साल बाद से इसकी कहानी शुरू होती है। आप इसमें क्या उसी तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है और क्या एंडिंग जो है वो सीज़न 3 के लिए है या नहीं, और अगर है तो कैसी है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपसे और आप डिसाइड करेंगे कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर अपने पुराने व्यूअर हैं तो लाइक करके जाइएगा। सो अबाउट सीज़न 2 बारबेरियन के, इसमें आरी बार बार जो 3 प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप रोमन्स पे विश्वास मत करिए, वो आपके कभी भी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं और हमें एकजुट होकर उनके अगेंस्ट, इससे पहले कि वो कोई बड़ा स्टेप लें, हमको उनके अगेंस्ट वॉर छेड़ देनी चाहिए, खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहिए। बट बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जो पुरानी टाइम से वॉर चली आ रही हैं, जो कंटिन्यूस स्ट्रगल चला आ रहा है, और वो एक सटल जिंदगी अब चाहते हैं और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया है। सो वो लोग अवॉइड करते जाते हैं, आरी बार बार समझाता है, अलग अलग लोगों को कन्विंस करता है। अच्छा, साथ में जो मारबॉड है, वो जो उसका अपोनेंट है, वो इस चीज़ को बार बार काट रहा है क्योंकि वो चाहता है, वो एक ट्रेडर है और वो समझौता करके रोमन्स के साथ रहना चाहता है और वो इन सब का किंग भी बनना चाहता है। सो जो उसकी पर्सनल राइवलरी है आरी के साथ वो चलती रहती है, और 4 एपिसोड्स तक आपको बार बार यही चीज़ देखने को मिलती है। और कुछ लोगों की, नए लोगों की एंट्री होती है, फॉकविन आता है और वो किस तरीके से हेल्प करता है, वो सारी चीज़ें देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। 4 एपिसोड्स तक यही मनावल चलता रहता है कि हमें उनके अगेंस्ट वॉर करनी चाहिए। बीच बीच में फ्लावर्स आकर अपनी अजीब अजीब चीज़ें करके जाता है, लेकिन ठीक है, 5th एपिसोड में ऐसी कुछ चीज़ होती है जिस जो अभी तक वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि ऐसा ही होगा, इनका नेचर ही ऐसा होता है, और वो निहत्थों पर वार कर देते हैं। और उसके बाद अब ये इतना बौखला जाते हैं, लोग इनके बहुत सारे लोग मर जाते हैं और इतना बौखला जाते हैं कि अब ये जाके रिटालिएट करते हैं। और जो एंड का सीज़न है, मैं सॉरी एंड का जो एपिसोड है 6, उसमें जो वॉर सीक्वेंस दिखाया जा रहा है, जो फाइट्स हो रही हैं, किस तरीके से लोग बचेंगे, कौन नहीं बचेगा, किस तरीके से मरेगा और कितने लोग वहाँ से भाग जाएंगे, तो ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग एपिसोड था, होता भी है। और इसमें जो एंडिंग रखी गई है वो भी काफ़ी थ्रिलिंग है। सीज़न 3 की जो बिगिनिंग होगी यहाँ पर, क्या होगा, क्या तो उसका बच्चा बचेगा आरी का जो है, और उससे आगे किस तरीके से कंटिन्यू होगा, वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने इस सीरीज़ को जब फर्स्ट सीज़न की तरह ही सेकंड सीज़न एंजॉय किया है, और सेकंड सीज़न आप ऐसे स्टार्ट ना करें, फर्स्ट सीज़न देखेंगे तभी आपको सेकंड सीज़न में और मज़ा आएगा, और थर्ड सीज़न भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंडिंग से तो ऐसा ही लग रहा है। सो डू वॉच दिस, दैट्स इट, बाय बाय।